हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं टैग कुलदीप चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ वीवो का लेटेस्ट डिवाइस वीवो Y11, जो वीवो ने इंडियन मार्केट में लॉन्च कर दिया है अपना इस डिवाइस को। तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं इसके कुछ हाईलाइट फीचर्स की, जैसे कि आप बॉक्स पर देख पा रहे हैं सबसे फ्रंट में आपको मिल जाता है वीवो की ब्रांडिंग एंड इसका वेरियंट 3 GB रैम एंड 32 GB इंटरनल एंड 5000 mAh की बैटरी। बात करते हैं बैक की, तो इसमें आपको मिल जाता है 5000 mAh की बैटरी, AI ड्यूल रियर कैमरा एंड क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का चिपसेट। तो फ्रेंड्स, फटाफट से करता हूँ मैं इस बॉक्स को अनबॉक्स। वैसे मैं इस बॉक्स को पहले अनबॉक्स कर चुका हूँ, लेकिन एक बार आपको दिखा दूँ कि क्या क्या इसके अंदर कंटेंट आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले आपको इसमें देखने को मिलेगा एक सॉफ्ट केस एंड एक सिम इजेक्टर टूल एंड थोड़ा बहुत वीवो का ज्ञान। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में और अब मिल जाता है आपको सेकेंड नंबर पर आपका डिवाइस, इसको भी रखते हैं साइड में और देखते हैं इसके अंदर क्या एक्सपीरियंस हमें मिल जाती है। सर, इसकी बात करें तो इसमें आपको मिल जाता है एक माइक्रो USB केबल, जो माइक्रो USB का है, टाइप सी पोर्ट नहीं मिलता है। एंड बात करो अडाप्टर की, तो इसमें अडाप्टर मिल जाता है आपको 10 वाट का, जो फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। इस बजट में काफ़ी अच्छा अडाप्टर है ये, 10 वाट का आपको इसमें सपोर्ट मिल जाता है, तो बैटरी का जो चार्जिंग है ये काफ़ी फास्ट हो जाएगी, आपको स्लो चार्जिंग देखने नहीं मिलेगी। अब फटाफट से करते हैं डिवाइस को ऑन, देखते हैं डिवाइस के अंदर हमें क्या खास स्पेसिफिकेशन मिल जाते हैं। मैं डिवाइस ऑन कर दूँ, उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि इसमें आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं बैक में इसको मिल जाता है पावर की एंड वॉल्यूम रॉकर की। बैक में आपको मिलेगा इसमें रियर कैमरे का ड्यूल रियर कैमरे का सेटअप, जो आपको 13+2 का मिल जाता है। बैक में फिंगरप्रिंट एंड नीचे में आपको मिल जाता है वीवो का ब्रांडिंग। साइड में आपको मिल जाता है सिम ट्रे, जो आपको ड्यूल उल्टी सपोर्ट करता है इसका सिम, एंड इसमें आप कार्ड भी लगा सकते हैं, डेडिकेटेड स्लॉट आपको मिल जाता है। बैक में सबसे नीचे मिल जाता है आपको एक चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल एंड एक हेडफोन जैक 3.5 mm का एंड एक माइक। हो चुका है मेरा डिवाइस ऑन, मैंने पहले से ही डिवाइस ऑन करके रख चुका हूँ, सेटअप करके रख चुका हूँ, ताकि मुझे कहीं भी बीच में वीडियो को स्किप ना करना पड़े। बात करते हैं इसके बिल्ड क्वालिटी की, तो आपको इसमें जाता है पॉलीकार्बोनेट मटेरियल का बिल्ड क्वालिटी, काफ़ी ग्लासी फिनिश है, काफ़ी शाइन फिनिशिंग है इसकी। इसके पहले वीवो ने अपने इस डिज़ाइन को Y12, Y15, Y17 में भी दिया है, आप देख चुके हो इस बिल्ड क्वालिटी को। बात करते हैं इस डिवाइस की कुछ फिजिकल ओवरव्यू, जिसमें आपको मिल जाता है डिस्प्ले जो मिलता है वो मिलता है आपको 6.35 इंच का IPS पैनल, जो फुल HD को सपोर्ट नहीं करता है, सिर्फ HD+ को ये सपोर्ट करता है। बात करते हैं PPI की, तो इसमें आपको PPI मिल जाती है 268 की, मतलब इसमें जो डिस्प्ले है काफ़ी ब्राइट नहीं है, हो सकता है आपको ब्राइट लाइट में डिस्प्ले में थोड़ा देखने में इशू हो, क्योंकि PPI काफ़ी कम है। PPI थोड़ी ज़्यादा होनी थी फिर तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस होता, लेकिन फिर भी मैंने इसे सनशाइन में देखा है काफ़ी ठीक परफॉर्मेंस करता है। बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो आपको इसमें मिल जाता है 9.0, मतलब लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको पाई का सपोर्ट मिल जाता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इसमें पाई वर्जन आपको मिल रहा है। बात करते हैं इसके ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो इसमें आपको मिलता है फन टच 9.1 का आपको इसमें सपोर्ट मिलता है। बात करते हैं कि इसमें आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 439 का प्रोसेसर, जिसकी क्लॉक स्पीड है 1.95 की। बात करते हैं GPU की, जिसमें आपको मिल जाता है एड्रीनो 505 का GPU प्रोसेसर, 8000 के सेगमेंट में काफ़ी अच्छा प्रोसेसर है, परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहेगा। वैसे मैंने इस फ़ोन को यूज़ करा है अभी, किसी भी टाइप से वीवो का फ़ोन लैग या हैंग नहीं करता है। बात करते हैं कैमरे की, इसमें आपको रियर मिल जाता है 13+2 MP का रियर कैमरा, जिसकी अपर्चर वैल्यू है 2.2 की फोकल वैल्यू, और सेकंड जो कैमरा मिलता है वो मिलता है आपको 2 MP का, इसका अपर्चर वैल्यू है 2.4 की। बात करते हैं फ्रंट कैमरे की, फ्रंट कैमरा आपको मिल जाता है 8 MP का, जिसका अपर्चर वैल्यू 1.8, और इसमें आपको बैटरी मिलती है 5000 mAh की, जो लॉन्ग लास्टिंग बैटरी है। और इसने वीवो ने इसमें अपना हाईलाइट फीचर्स यही दिया है कि बैटरी काफ़ी अच्छा बैकअप है। बात करते हैं इसके रैम और रोम की, तो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें 3 GB का रैम और 32 GB का इंटरनल आपको इसमें मिल जाता है। बात करते हैं प्राइस की, तो इंडिया में इसे लॉन्च किया है 8990 रुपये में, मतलब काफ़ी अच्छा प्राइस है इसका। अब देखते हैं इसका फिंगरप्रिंट का परफॉर्मेंस कैसा है, मैंने इसमें पहले से रजिस्टर कर चुका हूँ फ्रेंड्स फिंगरप्रिंट, तो देखते हैं किस टाइप से वर्क कर रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी फास्ट फिंगरप्रिंट वर्क कर रहा है इसमें। एंड बात करते हैं फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक भी काफ़ी फास्ट है, काफ़ी फास्ट वर्क कर रहा है। फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों से मैं देख रहा हूँ वीवो के फ़ोन काफ़ी अच्छे परफॉर्म करते हैं, इसके पहले मैं वीवो यूज़ नहीं करता, बट मैं वीवो यूज़ कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस मुझे देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। तो फ्रेंड्स, मैं अपने इस चैनल पे
गिवअवे चलाते रहता हूँ आप लोगों के लिए। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना भी ना भूले, एंड गिवअवे में पार्टिसिपेट करने के लिए कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।